सलमान खान और केआरके के बीच लगातार एक लंबी वॉर छिड़ी हुई है। हालांकि ये वॉर ओपनली नहीं हो रही है, ये कोर्ट कचहरी में हो रही है, लेकिन फिर भी फैंस का लगातार इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। इस वक्त केआरके ने एक बार फिर से सलमान खान का नाम लेते हुए क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। सलमान खान और केआरके के बीच ये मामला तब शुरू हुआ जब पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद केआरके ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा सलमान खान को ट्रोल करने का। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सलमान की फिल्म राधे को लेकर भी केआरके ने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज दिए और उसके बाद उनके चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन को लेकर भी काफी सारी आपत्तिजनक बातें कही। अब इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने दिशा पाटनी से लेकर गोविंदा से लेकर सलीम खान से लेकर शाहरुख खान तक हर किसी के बारे में अपने ट्वीट्स में कुछ ना कुछ कहा है। अब हाल ही में एक और ऐसा मामला सामने आया है। जी हाँ, केआरके ने एक ट्वीट किया है जहाँ पर वो लिखते हैं, सिंस कोर्ट ऑर्डर केम आई हैवंट मेड एनी वीडियो अबाउट सलमान खान, नीदर रिव्यूड एनी ऑफ हिज फिल्म सॉन्ग्स और ट्रेलर, नॉट ट्वीटेड अबाउट हिम, बट ही फाइल्ड वन मोर केस अगेंस्ट मी एंड हियरिंग इज ऑन 29th नवंबर। आई एम सरप्राइज्ड दैट बीइंग सलमान खान लव्स मी सो मच एंड मिस मी 24/7। जी हाँ, ये उन्होंने एक बिग लिया है सलमान खान पर। उनका कहना है कि सलमान मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही मेरे से ऑब्सेस्ड है, अब किस बात के लिए केस किया है इस बारे में बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ सलमान की टीम की तरफ से एक और केस फाइल किया गया है केआरके के अगेंस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ वक्त पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों को एक ऐसे आदमी से सिंपति कैसे हो सकती है जो लड़कियों को पीटता हो, मजदूरों को कुचलता हो, जानवरों को मारता हो और आउटसाइडर्स जैसे कि सुशांत सिंह को धमकाता हो। वेल, आपको क्या है कहना इस बात पर, बताइएगा जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में।